Hello students, my name is Amir and I am from A1 Coaching. So students, last video में हम लोगों ने present continuous के affirmative and negative sentence को देख लिया था कि उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो आज की video में हम लोग present indefinite के interrogative sentence को बनाना सीखेंगे. उससे पहले एक बहुत important बात कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ कि आज हमारे चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं. वो सब आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की वजह से हुआ. इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार हमारे चैनल में बनाए रहें, चैनल पे कंटिन्यू बने रहें, ठीक है, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे आप लोगों को हम और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकें जो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हो, ठीक है. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, ठीक है. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. आज टॉपिक हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया हुआ है, लेकिन जो पहली बार आए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से कोई भी प्रश्न करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं और उस बात का आंसर आप हमें यस और नो में देते हैं. किसमें? यस और नो में देते हैं. जैसे मैंने पूछा, Are you going to school? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? तो आप क्या कहेंगे? Yes या no? हाँ या ना? तो या है ना? जैसे मैंने पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? Do you like me? तो आपने क्या कहा? Yes. अगर करते हो तो हाँ, नहीं करते हो तो नहीं. तो आप क्या कर रहे हैं? Yes और no में आंसर दे रहे हैं, ठीक है. तो जिस भी बात का आंसर आप yes और no में देते हैं, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है. नेक्स्ट के बाद डबल इंट्रोगेटिव होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो अब चलिए रूल देख लेते हैं, रूल क्या होते हैं इसके, ठीक. तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के जो रूल होते हैं हमारे, उसमें सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं इज एम आर, ठीक. उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की एंगी फॉर्म और लास्ट में हमारा होता है ऑब्जेक्ट. मैंने सबके बारे में बताया हुआ क्या होता है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरी लास्ट वीडियो जो है उसको देख ले, ठीक. अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सेंटेंस भी किसके अकॉर्डिंग लगेगा, ये भी मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है कहां पर इज एम आर लगेगा, ठीक है. ओरल में बोल दे रहा हूँ, ही शी इट और सिंगुलर के साथ हमारा इसका यूज होगा, आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, We, you, they and plural होंगे, जो एक से ज्यादा लोग होंगे उनके साथ हमारा आर का यूज होगा. चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं, ठीक है. तो पहला सेंटेंस है हमारा, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? ठीक है, तो क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम. अब तुम के सबसे पहले क्या लगेगा, इज एम आर में इसको एक चीज लिखना है. तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम. तुम की मीनिंग क्या होती है? यू. तो यू के अकॉर्डिंग लगना है हेल्पिंग वर्ब. यू के साथ क्या लगता है? इज लगता है, एम लगता है कि आर लगता है? यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है, ठीक. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? आर, ठीक. उसके बाद सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या है? तुम. क्या हो जाएगा? आर यू. उसके बाद वर्ब. वर्ब क्या है? तो ये काम क्या हो रहा है यहाँ पे? जाना. जाने की मीनिंग क्या होती है? गो. आर यू गो. साथ में क्या लगेगा? आई एन जी, ठीक. तो आर यू गोइंग. और उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं बताइए? स्कूल जा रहे हैं, ठीक. तो आर यू गोइंग टू स्कूल. क्लियर? Are you going to school? इस तरह से सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं. चलिए एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक. तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या बना है बताइए आप लोग. क्या मैं अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो चलिए इसे भी पढ़ाता हूं. क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं? अब बताइए जल्दी से, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं? हाँ, पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं? पढ़ा रहा हूं ना, यस होगा, ठीक है. तो आप आंसर किसमें दे रहे हैं? यस और नो में दे रहे हैं. तो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब बताइए, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले जल्दी देखिए, मैं. और मैं की मीनिंग क्या होती है? आई. और आई के साथ क्या लगाते हैं? इज एम आर. क्या लगेगा आई के साथ? एम, ठीक है. तो हमने क्या लिखा? एम.
अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं की मीनिंग क्या होती है बताइए भैया, आई एम आई। अब उसके बाद वर्ब, काम क्या हो रहा है बताइए जल्दी से, पढ़ाना, पढ़ाने की मीनिंग, मैं काम क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ा रहा हूँ तो उसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच, एम आई टीच, आई एन जी लगेगा, हाँ भाई लगेगा, क्यों लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, तो एम आई टीचिंग। अब किसको पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जाहिर सी बात है, तो तुम्हें की मीनिंग क्या हो जाएगी, एम आई टीचिंग यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन लगेगा। क्लियर, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैंने नंबर भी अपना दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर करूंगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं पूरी से पूरी सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना नहीं भूलें, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है, ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच।